नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नया साल शुरू हो चुका है और नए साल के शुरुआत में ही अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये छोटा सा उपाय अवश्य अपने घर में कर लेना चाहिए। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप समेट नहीं पाएंगे, आपको कभी धन की कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी जेब हमेशा पैसों से भरी रहेगी। आप जिस जगह जाएंगे आपके पास पैसे आपकी जेबों से भरी रहेगी, धन का अभाव आपके जीवन से चला जाएगा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आपके जीवन में तेज़ी से धन आता है और वह टिक नहीं पाता है, हमेशा के लिए आप धन को खर्च कर देते हैं। धन आता है और खर्च हो जाता है, लेकिन हम आज आपको ऐसा एक उपाय बताने वाले हैं जिससे कि आपके घर में धन टिका भी रहेगा और आप उसे खर्च करते जाओगे लेकिन कम नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे इस उपाय से कि आपके जीवन में धन ठहरने लगेगा। आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है, आपको ले लेना है कोई भी एक नोट। नोट आपको लेना है 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, ऐसे कोई सा भी नोट ले लें। उस नोट को आप साफ़ सुथरा लें, उस पर कुछ लिखा हुआ ना होना चाहिए और गंदा भी नहीं होना चाहिए। आप साफ़ सुथरा नोट ले लें, उस पर आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको ले लेना है एक हल्दी की गांठ या फिर हल्दी, कच्ची हल्दी जो होती है उसे ले लें, उसे सुखा लें अच्छी तरीके से, फिर इस्तेमाल करें। आपको ले लेना है हल्दी की गांठ और आप जब भी नया साल शुरू हो उसके एक दो दिन पहले, मतलब एक दो दिन तक आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने गुलाब का फूल अर्पित करना है, विधिवत पूजन करना है बिल्कुल इसी तरीके से, और उस नोट को हल्दी की गांठ उस पर रख करके लपेट देना है, उसे रोल कर देना है। चाहे तो उस पर रबर बैंड लगा दें या लाल कपड़े में बांध दें या फिर आप किसी लाल धागे से बांध दें, उसके अंदर हल्दी को अच्छी तरीके से लपेट देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, उसे पूरी रात के लिए आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में रखे रहने देना है। अगले दिन सुबह उठकर उसकी विधिवत पूजा करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, और उस नोट को उठाकर अपने व्यापार वाले स्थान पर रख दें, गल्ले में रख दें या फिर अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। मतलब है कि आप जब भी कहीं भी पैसा एकत्रित करके रखते हैं उस जगह पर आप उसे रख दें। बस ऐसा करें, आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी, दिन प्रतिदिन पैसा एकत्रित होने लगेगा। आप जब भी पैसा लाएं उसे, उस पैसे को बिल्कुल खर्च ना करें और उसे साफ़ सुथरे स्थान पर रख दें तिजोरी में। आप उसे हमेशा ही वहीं रखे रहने दें। बस इतना ध्यान रखना है कि वह हल्दी जब सड़ने लगे, यानी कई बार ऐसा होता है कि हल्दी ख़राब भी होने लगती है, तो उसे विसर्जित कर दें। नोट आप उसी तिजोरी में रखे रहने दें, नई हल्दी उसमें विधिवत पूजा करके रख दें। बस ऐसा आपको करते रहना है, आपके पूरे साल भर आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है हल्दी, और जब भी आप उस हल्दी को बदलें तो आप माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर ही बदलें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ लक्ष्मी।